हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बेल्ट पैंट की बेल्ट किस प्रकार से कच्ची पक्की की जाती है। मैंने दोस्तों 7.5 इंच इस गुटके पर से, ये जो गुटका ये वाला लगा हुआ है, ये 7.5 इंच सेल्फ पट्टी के लिए मैंने पहले से छोड़ दिया। यहाँ पे 4.25 पे निशान लगाएंगे हम। 32 कमर हमारी है, यहाँ पे हम 16 का निशान लगा देंगे। 1.5 इंच यहाँ पे हम ले लेंगे और यहाँ से यहाँ हमारा 12 इंच आ रहा है। पहले 1.5 इंच जो है हमारा बैक लुपी जो जहाँ से लगेगी, ये 16 आया, 16 × 32 ये 14.5 हुआ, 1.5 इंची कम कर दिया। अगर ना समझ में आए दोस्तों तो इस प्रकार भी 1.5 इंची आप कम कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा 10 हुआ है, 10 का आधा 3 गुना करेंगे हम, 3.25 आया है, 3.25 यहाँ पे भी निशान लगा देंगे। अब ये हमारी 4 लुप्पी हो गई, 1, 2, 3, 4। अब इसको हम पक्की करेंगे। जो पहला गुटका हमारा है 7.5 इंच सिलपट्टी आगे हमारी बाकी है, वही गुटके पर से हम रखेंगे। ये 7.5 इंच आगे हमारी छुट्टी है जिसमें हम हुक लगाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कच्ची करना। जी हमारा निशान लगा हुआ है, यहाँ पे नीचे देख लेंगे हम और हम अपनी लुप्पी यहाँ पे 1, 2 जो लगाना हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं इस प्रकार से। फिर यहाँ पर भी जो हमारा निशान लगा हुआ है यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से लगा देंगे। अब यहाँ पे भी मेरा एक निशान लगा हुआ है, यहाँ पर भी हम लगा देंगे और ये हमारी 3 लुप्पी हो गई। एक चौथी लुप्पी हमारी लास्ट की है, इसी प्रकार से सारी लुप्पियाँ हम रख लेंगे। ये हमारी हो गई। अब इसको हम पक्की करेंगे दोस्तों, इसको बिल्कुल बराबर करना है हमको और अच्छे तरीके से इधर उधर ना भगे, इस हिसाब से सिलाई लगा लेना है हमको। आराम से संभाल कर सिलाई लगाना है जिससे हमारी इधर उधर कपड़ा ना नीचे का भगे। अब इनमें हम निशान लगा लेंगे लमसम 1 चाप। इनको हम रोक लेंगे 1 चप्पा की दूरी से लमसम 0.5 इंची। इस प्रकार से हमें सारी लुपियाँ रोक लेना है। जी हमारी सारी लुपियाँ रोक गई हैं। अब इसे हम ऊपर की सिलाई से उसी प्रकार सारी
लूप की रोक लेंगे हम। बिल्कुल बराबर रखना है जिससे कोई दिक्कत ना हो। ज़रा सा थोड़ा भी लूजिंग हो जाते हैं तो उठने लगती हैं, इसी कारण इसको हम बराबर रखेंगे बिल्कुल चिपका करके। इसी के हिसाब से सारी सारी लुपियाँ रोक लेंगे हम। ये हमारी लुपी हो गई, ये हमारी पैंट बनकर तैयार हो गई है। आप भी इसी प्रकार से बेल्ट को कच्ची पक्की कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।